यह है हिंडनबर्ग। नाजी जर्मनी के समय बना हुआ हिंडनबर्ग एक एयरशिप यानी कि यह आम एयरप्लेन की तरह इंजन से नहीं उड़ता था, बल्कि इसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर मौजूद थे जो हाइड्रोजन गैस से भरे जाते थे, जिनसे यह अपना वेट काउंटर करके उड़ता था। इस शिप का यूज उस टाइम हाई क्लास के द्वारा यात्रा करने के लिए किया जाता था, और उस टाइम यूरोप से अमेरिका के बीच ट्रैवल करने का और कोई साधन नहीं था, इसलिए वहाँ के रिच पीपल थे जो इस तरह के शिपों का यूज करते थे। हालांकि वो अपनी पहली उड़ान में हिंडनबर्ग का एक्सीडेंट हो गया था 1937 में, जब वे पहली बार ट्रांसकॉन्टिनेंटल बोइस पर था, तब यह जर्मनी से न्यू जर्सी के लिए उड़ा और यात्रा काफी अच्छी रही। लेकिन जब यह पार्क होने वाला था तो उस समय इसमें आग लग गई, और आग लगने की वजह को एक स्पार्क बताया जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस भरी होने के कारण यह पूरी तरह से जल गया, वो भी आधे मिनट में, और इसमें टोटल 35 लोगों की मौत हो गई।